टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 में इंदौर के अय्यर को मिल सकता है मौका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कई मुख्य खिलाड़ी विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। बतौर T20 कप्तान रोहित शर्मा और नए हेड कोच राहुल द्रविड़ की ये पहली सीरीज होगी। इंदौर के वेंकटेश अय्यर को लेकर क्या कहते हैं इंदौरियंस, आइए जानते हैं मेरे यानी नेहा परिहार के साथ। हम नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सचिन सर, जो कि सचिन क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं और 10 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो अभी इंदौर से दो खिलाड़ी चयनित हुए हैं वो भी इनके जूनियर रहे हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से टीम इंडिया अभी जो वर्ल्ड कप का मैच हार गई थी उसके बाद थोड़ी सी निराशा थी, लेकिन उसको भुलाकर एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के, एक नई ऊर्जा के साथ वापस टीम वापसी कर रही है एक नए कोच और नए कप्तान के साथ। तो सर से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। जी सर बताइए। पहले तो बहुत बहुत बधाई राहुल द्रविड़ सर को भारत क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं उनके, और रोहित शर्मा के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। रोहित शर्मा जब अंडर-19 के कैप्टन थे तो राहुल द्रविड़ सर ने काफ़ी हेल्प की उनकी बैटिंग में, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा आज के मैच में राहुल द्रविड़ सर और रोहित शर्मा जो कि इंडियन कैप्टन है। जी अभी जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं उनको देखते हुए इंदौर के जो बच्चे हैं जो कि आपकी एकेडमी में हैं, इनका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। आवेश खान काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडियन टीम में आए हैं, वो काफ़ी मेहनत की है आवेश ने। और वेंकट सैयर की बात करें तो पूरे IPL में स्टार्टिंग के मैचेस उनको खेलने को नहीं मिले, लेकिन जब आखिरी 6 मैचेस में उनको खेलने को मिले हैं तो वेंकट सैयर ने वो करके दिखाया, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके दिखाया वेंकट सैयर ने। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में भी वेंकट सैयर कभी प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंडिया के लिए। इंदौर के जो खिलाड़ी हैं उनका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे कि नई टीम जो सम्मिलित हुए हैं, लोग खिलाड़ी नए नए चयनित हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे इंदौर में काफ़ी उत्साह है आवेश और वेंकटेश का चयन लेकर। आवेश और वेंकटेश का जो चयन हुआ है इससे पूरे इंदौर में काफ़ी खुशी का माहौल है। और इंदौर में मैं आपको बताऊं कि इंदौर में कम से कम 150 क्लब चलते हैं जो ओरिजिनल क्रिकेट बॉल से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। काफ़ी उत्साह है बच्चों में और अभी लगातार क्लबों में एडमिशन हो रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस है उन बच्चों में क्रिकेट खेलने के लिए। एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं कि हमें भी इंडिया के लिए खेलना है। आपका नाम? सचिन सावनेर। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 से ही बाहर होने के बाद अब टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। स्टार खिलाड़ियों के आराम के बाद ये एक बड़ा सवाल है कि जयपुर में कप्तान रोहित शर्मा किन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेंगे। इसको लेकर इंदौर के क्रिकेट प्रेमी क्या कहते हैं, इसको लेकर रेड 9 की टीम ने खास बातचीत की क्रिकेट प्रेमियों से। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं लकी स्पोर्ट्स के बच्चे, काफी छोटे छोटे बड़े बच्चे सभी लोग हैं यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे कि इनके फेवरेट प्लेयर कौन है और इनको क्रिकेट को लेकर इनके अंदर कितनी दिलचस्पी है, आइए जानते हैं इनसे। हाँ जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। आपका? विराट कोहली। कौन सा शॉट पसंद है आपको विराट कोहली? मुझे बैट के मारता है ना वाला शॉट। तो आप किसके जैसा बनना चाहते हैं बड़े होकर? विराट कोहली जैसा। विराट कोहली जैसा। आप देख सकते हैं कि बच्चों में क्रिकेटर्स को लेकर कितना उत्साह है कि ये बड़े होकर विराट कोहली के जैसा बनना चाहते हैं। जी आपका नाम? सम्यक जैन। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी। MS धोनी। पहले मैच में टीम इंडिया के नए T20 कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी बतौर ओपनर उतर सकती है। T20 वर्ल्ड कप के आखिर के तीनों मैचों में इस जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया था, तो वहीं मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ईशान पिछले काफी समय से बढ़िया लय में नजर आए हैं और इस मैच में उन्हें विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आ सकते हैं। वर्ल्ड कप में उनको ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिल सका, लेकिन आखिरी मुकाबले में उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 19 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए थे। अय्यर को देखना इंदौर के लोगों के लिए बहुत ही खुशनुमा पल होगा। आपका नाम? पत्थर।
आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। अभी जैसे यहाँ पे दो इंदौर से दो क्रिकेटर्स का सिलेक्शन हुआ है, आवेश और वेंकटेश, तो उनको 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 देखते हुए आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? मैं उनके ऐसे ही बनना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो दोनों इंदौर के, तो वो सबसे अच्छी बात है। जी बिल्कुल। इंदौर से जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं उनको लेकर बच्चों में काफ़ी खासा उत्साह है और सभी उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैच में क्या होता है। तो बने रहिए रेड टीवी के साथ, मैं नेहा परिहार, कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ। बॉलिंग अटैक में स्पिन जोड़ी में अनुभवी आर अश्विन और यजुवेंद्र चहल नजर आ सकते हैं। अश्विन ने विश्व कप के 3 मैचों में 6 विकेट अपने नाम किए और बढ़िया लय में नजर आए। बात अगर यजुवेंद्र चहल की करें तो वो टीम में वापसी करते नजर आएंगे। वहीं फेस अटैक भी दमदार है। तेज गेंदबाजों में रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन काफ़ी उत्साह भरा, काफ़ी खुशी भरा कहा जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद लोगों में एक निराशा छा गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ, नए खिलाड़ी, नए कोच और नए कप्तान के साथ एक बार फिर से वापसी करने जा रही है टीम इंडिया। अब देखना ये होगा कि वर्ल्ड कप की हार के बाद टीम इंडिया नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ मैदान पर क्या कमाल दिखाती है।